नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, हमारी कोशिश यही है अपने चैनल के जरिए कि आपको अपने नेताओं से सीधे सीधे रूबरू कराएं। इस वक्त हमारे साथ कटिहार के सांसद साहब हैं दुराचंद जी। सर, टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश यही है कि हमारी बिहार की जनता, स्थानीय जनता के लिए आप जो अभी सब चर्चा ही होती ही रहती है कि बहुत कुछ करने की कोशिश होती है, बहुत कुछ होता है, कुछ रुक जाता है, अभी इतने सालों में क्या क्या हो पाया? सबसे पहले तो आपका चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। अभी एज ए MP अगर मेरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उसमें कई एक चीज़ कर रहे हैं, और MP तो कोई लोकसभा क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं है, उसको पूरे राज्य और देश के लिए भी बात उठाना पड़ता है और चाहिए भी। देश के ज्वलन समस्या हो या क्षेत्र का हो, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सवाल आपने मेरे लोकसभा क्षेत्र का किया है, तो हम चुनाव जीतने के बाद कटिहार लोकसभा में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, लोगों का बहुत बड़ा डिमांड था कि बरौनी कटिहार के बीच जो रेलखंड है, जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, कटिहार शहर के बीचों बीच रेलवे ROB बनाने का, वो लंबे समय तक का मांग था। आज आपका चैनल के माध्यम से ये कहते हुए मुझे खुशी है कि वो ROB का काम शुरू हो गया। और कटिहार में मनिहारी से होके गंगा नदी गुजरती है, वो झारखंड और बिहार को दो पार्ट में विभक्त करती है। तो मनिहारी में लोगों का डिमांड था कि वहाँ साहेबगंज मनिहारी के बीच एक ब्रिज बने, कम्युनिकेशन हो, लंच स्टीमर और नाव से लोग कितने चलेंगे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ज़मीन देने का काम किया, और भारत सरकार ने लगभग 3,000 करोड़ से अधिक के लागत से मनिहारी साहिबगंज गंगा ब्रिज का काम हो रहा है, पिलर खड़ा हो गया है। और हमको लगता है कि जो भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2023 दिसंबर तक ये ब्रिज परिचालन में आ जाएगा, तो जो झारखंड बिहार का अभिन्न हिस्सा था, अब जो है बिहार से सीधे हम लोग झारखंड से जुड़ जाएंगे। तो झारखंड से हम लोग का जो है रोटी बेटी का रिश्ता है, आर्थिक संबंध है, एक देश एक राष्ट्र में है, तो झारखंड से हम लोग का बहुत आत्मीय संबंध ये बन जाएगा। तो जिला का भी विकास होगा, झारखंड का भी विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा। और फिर मनिहारी से एक 4-लेन सड़क जो अटल बिहारी वाजपेयी बनाए थे, असम सिलचर से लेके पोरबंदर तक NH 27, ये सड़क 49 किलोमीटर उससे जाके 4-लेन जुड़ जाएगा। तो ये कटिहार जिला का पहला 4-लेन होगा। इस पर द्रुत गति से काम चल रहा है और ये ब्रिज और सड़क बन जाएगा। और इसी में कटिहार में लगभग 8 किलोमीटर बाईपास भी है। तो हम आज के डेट में आपको बता सकते हैं कि मनिहारी साहिबगंज ब्रिज, ये कटिहार का बाईपास और ये 4-लेन सड़क बनने से कटिहार की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। उसी तरह से तीसरा डिमांड मेरा था, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पथ परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से, कि पटना से खगड़िया तक 4-लेन हो गया है और खगड़िया से 135 किलोमीटर पूर्णिया तक, पूर्णिया 0 माइल जो 4-लेन है, इसको जोड़ा जाए। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसकी DPR बन गई है, वो टेंडर का प्रक्रिया में है। तो ये 2 4-लेन बन जाएगा तो कटिहार जिला का चौमुखी विकास होगा। ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है, लेकिन 4-लेन का हाइट रहता है, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, तो इससे छोटा छोटा इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री, मॉल, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन और रोजगार का अवसर बढ़ेगा। यही तो यही मेरा सवाल था, क्योंकि आपका जो वो क्षेत्र है बाढ़ ग्रसित इलाके के, लगभग 3-4 महीने जो है वो पानी में ही लोग रहते हैं, और सालों से वो क्षेत्र कहीं कहीं पिछड़ा रहा, सबसे ज़्यादा पलायन वही उत्तर बिहार का जो हिस्सा है वहाँ से लोग बाहर निकले हैं। इंडस्ट्रियल हब की भी चर्चा हो रही है कटिहार में, जो है वहाँ
इंडस्ट्रियल हब या इस तरह के जो फूड पार्क और तमाम सारी चीज़ें जो है वो फोकस करने की बात हो रही है? नहीं, उस सब चीज़ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आपने उल्लेख किया कि कटिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, तो ये बात सही है और प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है। कटिहार का ये सौभाग्य है कि कोसी और गंगा का संगम कटिहार का कुर्सेला में है। गंगा नदी कटिहार होके ही निकलती है, महानंदा नदी भी उसी कटिहार से होकर के आगे जाके बंगाल में गंगा में मिलती है। कारी कोसी है, ब्रांडी है, महानंदा, सुधानी, नागर, कुलू, कई नदियां हैं जो नेपाल पश्चिम बंगाल से आती है। और कटिहार ज़िला साल में दो बार फ्लड आता है क्योंकि महानंदा नदी पश्चिम बंगाल और असम से जुड़ा हुआ है, तो बंगाल में अतिवृष्टि से महानंदा में पहले फ्लड आता है, जिसमें कटिहार ज़िला का 4 प्रखंड है, कदुआ, बलरामपुर, आजमनगर, बारसोई, प्राणपुर, अहमदाबाद, 6 प्रखंड। उसी तरह से गंगा कोसी में समेली है, कुर्सेला प्रखंड है, बड़ारी है, मनिहारी है, अहमदाबाद है। तो महानंदा में जुलाई में पानी आ जाता है और गंगा जी में 15 अगस्त के बाद आता है और सितंबर में आता है। तो कटिहार ज़िला बाढ़ का दोहरा विभीषिका झेल रहा है, नदी का कटाव है, विस्थापन है, लेकिन हम धन्यवाद देंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि इधर 2 साल से विस्थापित परिवार जो कटिहार में है, मुख्यमंत्री आवासन योजना से सीज की ज़मीन में लोगों के नाम से ज़मीन दिया जा रहा है, आवासित किया जा रहा है। इस गति को और बढ़ाने का ज़रूरत है। नदी का कटाव, अभी आप आए थे तो हम कटाव पर ही बात कर रहे थे कि महानंदा नदी का शिकारपुर में कटाव हो रहा है और गंगा नदी में अहमदाबाद प्रखंड का झब्बू टोला और इस सब में कटाव हो रहा है। तो गंगा का कटाव में तो तत्कालिक रोकथाम का काम हो रहा है और शिकारपुर इस सब के लिए अभी हमने कार्यपालक अभियान था और उच्च अधिकारियों से बात की है, तो लोग बोले हैं कि उस कटाव निरोधी कार्य को भी हम लोग द्रुत गति से करेंगे। तो ये समस्याएं हैं, फ्लड हैं, लेकिन मैं कटिहार के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि बाढ़ की विभीषिका कटाव को झेलते हुए और वहाँ का किसान अपना हिम्मत को हारा नहीं है और इन समस्याओं के साथ भी अपना कृषि को निरंतर आगे बढ़ा रहा है और अपना लोग मेहनत कर रहे हैं और जीविका का सोर्स भी ढूंढ रहे हैं और सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। आज के डेट में खास करके ये तो पूरे बिहार और देश का मामला है, लेकिन आपका चैनल का के माध्यम से मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा, राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस पर हमें गंभीरता से देखने का ज़रूरत है। हमारे एरिया में खास करके बिहार का 10 ज़िला को वन ज़िला वन प्रोडक्ट के रूप में लिया गया, उसमें मेरा कटिहार भी है और 10 ज़िला है। मखाना उत्पादन जो है देश का 90% बिहार में होता है और इस साल मखाना का उत्पादन इतना हुआ है कि उसका प्राइस रेट गिर गया है। अच्छा। किसानों को सही मूल्य नहीं मिल रहा है, पिछले साल से भी रेट घट गया है। तो मैंने भारत सरकार के कृषि मंत्री और से भी मांग किए हैं कि मखाना का MSP तय हो, सरकारी खरीदी तय हो। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए कही कि इस मखाना को लेकर मैं मित्रों आपको बता दूं, मखाना को लेकर हमने बिहार में कई प्रोग्राम्स किए हैं और मखाना ऐसे यूं कहिए कि इतनी ज़्यादा मेहनत उसमें, इतने लोग लगते हैं और इतनी परेशानी होती है, उसके बाद आपको स्वाद में बड़ी खूबसूरत सा मखाना आपको दिखता होगा। दिल्ली और देश के तमाम सारे हिस्से में आप जहाँ भी 90% जो है वहीं से उपजा जाते हैं। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि मखाना इस बार ज़्यादा हुआ, लोग एक्टिव हो गए, लेकिन अब उनको आमदनी नहीं उनकी हो पा रही है। तो सांसद साहब का कहना है कि इसके लिए अगर MSP तय कर दी जाए, देखिए बाहर में आप 1000 रुपये खरीद रहे होंगे लेकिन वहाँ किसानों को अभी भी
सर ही बताएंगे कि सर वहाँ के किसानों को कैसे अभी मिल पा रहा है। नहीं, पिछले साल तो 420 रुपया किलो था, 420-430, इस साल 300-325 में ही देना पड़ रहा है। मेहनत बहुत ज़्यादा और मार्केट में 1200 से लेकर के 1600 तक बिक रहा है, हवाई जहाज में 4300 रुपया किलो बिक रहा है। तो मैंने कृषि मंत्री जी से पत्र भी लिखे थे, लोकसभा में क्वेश्चन भी किए थे, तो क्वेश्चन तो मेरा अतारंकित में चला गया, लेकिन जवाब आया है। और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जो है माननीय अश्विनी चौबे जी, उनसे भी हमने मिला है, तो उन्होंने कहा है कि मखाना का खरीदी नेफेड संस्थाओं के माध्यम से करेंगे। तो MSP तय हो तो इसका मेरा प्रयास है, लेकिन मखाना का सरकारी खरीदी होगा तो बाज़ार में नियंत्रण होगा। और हमारे भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के मंत्री, राज्य मंत्री आदरणीय चौबे जी ने बोला है एक दो दिन में वो रिजल्ट देने वाले हैं, तो नेफेड या अन्य संस्था के माध्यम से उसका खरीदी होगा। तो एक जो रेट जो डाउन हो रहा है तो किसानों की स्थिति सुधरेगी, किसान सरकार के तरफ मुंह उठाए हैं, और एज ए MP हम भी हर फॉर्मेट में ये कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार को कहें, भारत सरकार से सीधे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो खरीदें, कि ताकि किसान निराश और हताश नहीं हो, मखाना किसानों को कम से कम उनका लागत मूल्य मिले, तो इसका मेरा प्रयास है। तो कई क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं, मेरा कोशिश जारी है। हम लोग का तो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, प्रधानमंत्री सड़क में सड़क कट गए जाते हैं फ्लड में, तो हम सैकड़ों ब्रिज भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके प्रधानमंत्री सेतु के रूप में 40-50 ब्रिज ले गए हैं, इस साल भी 25-30 ब्रिज जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सड़क का आरेखन में बीच में जो कटिंग हो गया तो उस सब में ये करोड़ों का ब्रिज है, तो ये बन जाएंगे तो कम्युनिकेशन रुकेगा नहीं, तो आदमी का जीवन आसान होगा। और सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को सुविधा देना, उसका जीवन को सुगम करना। बिजली के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है, अब हर गांव में लगभग हर परिवार को हम लोग बिजली दे दिए हैं, अब है कि उसको कंटिन्यू भी किया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा, राज्य सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में गाँव को, टोला को, बसावट को नल जल के माध्यम से, भारत सरकार भी उसमें काम कर रही है। तो आज के डेट में हम कह सकते हैं कि मेरा लोकसभा क्षेत्र का तेज़ी से विकास हो रहा है, और विकास के लिए और वहाँ की जनता का जो पर व्यक्ति आए हैं और वहाँ का अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अल्पकाल में ही एक मेरा प्रयास, मजबूत प्रयास है। और इस प्रयास में हम वहाँ के स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, राज्य सरकार का और भारत सरकार का सहयोग लेने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हर फॉर्मेट में तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं सर संसद की बात करें। संसद का सत्र चल रहा है, गतिरोध बहुत ज़्यादा रहा, आंदोलन और तमाम सारी चीज़ें, सत्र पूरी तरह से यूँ कहिए कि कुछ ही घंटे चल पाए, विपक्ष का जो रवैया है उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष, हम लोग तो हाउस में बैठते हैं और मेरा सीट बीच में, स्पीकर साहब जहाँ बैठते उसके सामने, तो वहाँ से सब दिखाई देता है। विपक्ष का कहना है कि महंगाई पर चर्चा हो, देश के अन्य ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा हो, और सरकार के तरफ से भी है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन क्वेश्चन आवर होने दो, जीरो आवर होने दीजिए और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 193 पर तो महंगाई पर चर्चा हुआ, खेल पर चर्चा हुआ, तो सरकार चर्चा करना चाहती है, विपक्ष बोलती है लेकिन चर्चा नहीं करना चाहती है, और उसके पास चर्चा के लिए विषय भी कम है। और जो ED या बाकी जांच एजेंसी जो पहले से ही कुछ लोगों पर जांच है, अगर उस पर जांच करे तो देश की जनता को भी मालूम है कि जांच क्यों हो रहा है, और जांच हो रहा है तो उस पर तो विषय भी आ रहा है कि कहीं पैसा का लेन देन हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, कहीं जमीन मिल रहा है। तो हमको लगता है कि अगर उस चीज़ को
दबाने के लिए भी कर रहा है तो ये अच्छा नहीं है। ईडी का काम ईडी को करने दीजिए, और पार्लियामेंट में जो देश का विषय है, देश का ज्वलंत समस्या है, देश के लिए एमपी जो क्वेश्चन कर रहा है या 0 आवर 377 या फिर जो चर्चा होनी है वो चर्चा भी हो और इन विषयों पर भी वो लोग लिख करके दे, और उसके लिए सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, एक सवाल आप, क्योंकि हम बिहार की करेंगे, बिहार से कई नेताओं से चर्चा हुई है, कहीं ना कहीं तालमेल में कुछ कमी नज़र आ रही है क्या? आप चर्चा पर मत जाइए, तालमेल को देखिए। हम लोग एनडीए में हैं, साथ हैं, दिल्ली में भी साथ हैं, बिहार में भी साथ हैं, और कौन क्या बोलता है, हमारा नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और वो जब कह रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, और दिल्ली में नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और जेपी नड्डा जी हैं, जब कह रहे हैं कि हम लोग का गठबंधन अच्छा है, मजबूत है, हम बिहार में नीतीश जी के साथ हैं, तो और कोई सवाल कहाँ है? मित्रों, कई सारे विषयों पे हम मखाना पे फिर एक बार जिक्र करते हैं, क्योंकि जिस हिस्से से वो कटिहार उत्तर बिहार का हिस्सा है, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, सहरसा, वो वहाँ बाढ़ की स्थिति, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 महीने पानी हमेशा रहा है, वो एक बड़ी परेशानी, लेकिन तब भी वहाँ के जीवंत लोग, जीवट लोग, मखाना का उत्पादन बहुत बिरले पैमाने पर शुरू हुई और सरकार, स्थानीय सरकार के सहयोग के बाद, और क्योंकि हमने कई स्टोरी आपको दिखाई है, तो मखाना के लिए इन्होंने जो MSP की चर्चा की, और वाकई में वहाँ के किसानों की अगर भलाई खरीदने के लिए, तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बाहर में तो आपको 2000 में और 1000 रुपये, और अभी फ्लैट की हम चर्चा कर रहे थे, 4600 रुपये, 4300 रुपये आपको फ्लैट में छोटा सा जो है 50 से 100 रुपये का आता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हो रही है, किसान और कृषि पे केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वहाँ की खरीदारी, यानी जो मखाने की खरीदारी है, उसके लिए भी सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर उसकी खरीदारी करें, ताकि किसानों की भलाई हो पाएगी। फिर हम अगले दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, पहले क्योंकि अभी सत्र में इनको जाना भी है, तो यहाँ हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ मैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए सुमन कुमार।